एपिसोड 76 निकनेम। तकरीबन 20 मिनट बाद एक बार फिर से मानसी का उसे फोन आता है। तनुजा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ लोग अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई बेहद हैंडसम और अमीर बॉयफ्रेंड था इस पूरे समय, क्या ये बात सच है? वो पूछती है। तनुजा उसे पूरी बात बताती है और साथ ही अपने प्लान के बारे में सब बताती है। ये सुनकर मानसी हंसने लगती है और कहती है चलो अब अरमान तुम्हारे साथ है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसे जल्दबाजी में कॉलेज वापस आने की जरूरत नहीं थी। हाँ कोई नहीं, तुम आराम से वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, तनुजा ये कहकर फोन काट देती है। क्या मानसी का सच में कोई बॉयफ्रेंड है? अरमान हैरान होकर पूछता है। हाँ, ओ बेचारा मेरा सेक्रेटरी, अरमान कहता है। पूरे रास्ते में तनुजा को शिवानी और जैस्मिन के फोन बार बार आ रहे थे, जिनसे वो कुछ भी बातें घुमाकर जवाब दे रही थी। कॉलेज पहुंचते ही अरमान गाड़ी सीधा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ले जाता है। हॉस्टल के मेन गेट तक पहुंचते ही उन्हें वहां लोगों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है, और क्योंकि गाड़ी इतने रश से नहीं जा सकती थी, अरमान अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देता है। जैसे ही तनुजा गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरती है, अरमान फटाफट से आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रख लेता है। कोई बात नहीं, मैं खुद उतर जाऊंगी। इससे पहले कि तनुजा अपनी बात खत्म करती, अरमान उसे गाड़ी से नीचे उतार चुका था। तुम तो बिल्कुल किसी चिड़िया के पंख जितनी हल्की हो, अरमान कहता है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने सारे पैसे मेरे लिए जैकेट लेने में खर्च कर दिए? तनुजा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, आपकी जैकेट पहनना मेरी गलती थी। मुझे लगता है अब मुझे यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। ये ठीक रहेगा ना कि आज के बाद तुम्हारे खाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा? ये सुनकर तनुजा हैरान रह जाती है। बिल्कुल ही, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ भी करना चाहिए। अपना खाना तो एटलीस्ट मैं अफोर्ड कर ही सकती हूँ, वो कहती है। अच्छा सच में? पर लोगों ने तो तुम्हारे कॉलेज की वेबसाइट पर कमेंट्स में लिखा था कि तुम बेहद गरीब थी और इसलिए ही रोज नाश्ते में ब्रेड और जैम खाती थी। मेरे साथ रहने वाली लड़की इतनी गरीबी में कैसे रह सकती है? तनुजा ये सुनकर सोचने लगती है कि वाकई लोग उसे कितना नोटिस करते थे। वो कहती है, सर आपने भी तो मुझे सिर्फ ब्रेड खाने को कहा था जब मैं आपके लिए काम किया करती थी। ये सुनकर अरमान एक मिनट के लिए चुप हो जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बात उसे ऐसे सुननी पड़ेगी। वो कहता है, उस समय तुम मोटी थी, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम पतली हो जाओ। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्या जवाब दे। इस अरमान के पास अपनी हर बात का कोई ना कोई बहाना जरूर होता ही है। अरमान सर, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि मेरे फूड कार्ड में 200 रुपए डलवा दीजिए, मेरा एक महीने में इतना ही खर्चा होता है जनरली। 200 रुपए? कोई भी इंसान इतना कम पैसे में कैसे अपने महीने भर का गुजारा कर सकता है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए डलवा दूंगा ताकि तुम रोज अपना मन पसंदीदा खाना खा सको। चलो बस बहुत हुई बातें, अब हमें चलकर दीपिका को ढूंढना चाहिए। तनुजा अरमान की बाजू पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ बिल्डिंग की तरफ ले जाती है। उसके पीछे पीछे चलता हुआ अरमान उसके हाथ की तरफ देखता है, जिससे उसने अरमान की बाजू पकड़ी होती है। उसे देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। बहुत सारे लोग हॉस्टल के बाहर खड़े थे, तभी तनुजा और अरमान को वहाँ एक बेहद ही हैंडसम लड़का देखता है इतने भीड़ के बीच। दिलप्रीत, ये तो वही एक्टर है ना जिसने उस फिल्म में एक्टिंग की थी? सोचते सोचते अरमान की आईब्रोज ऊपर चढ़ जाती है। तभी एकदम से दिलप्रीत की नजर अरमान की तरफ पड़ती है। वो देखकर एक समय के लिए उदास हो जाता है, पर तभी एकदम से तनुजा के पास जाकर कहता है, फाइनली तनुजा तुम यहाँ आ ही गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिलप्रीत, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक चोर है? भीड़ में से एक लड़की कहती है। इसने किसी और लड़की के रूम से पैसे चुराए हैं, सभी लोग यहाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। हाँ सच में, कई और लोग भी कहते हैं। सब बकवास है ये, मैं नहीं मानता, दिलप्रीत चिल्लाकर कहता है। मैं तनुजा को बचपन से जानता हूँ, क्या मुझे नहीं पता होगा कि एक ऐसी लड़की है? ये कभी चोरी नहीं कर सकती, चाहे फिर इस बात को साबित करने के लिए मुझे अपनी रेपुटेशन ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। क्या तुम एक दूसरे को बचपन से जानते हो? पर इसे तो सबने रंगे हाथों पकड़ा है। आसपास वाले लोग हैरान होकर कहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि दिलप्रीत और तनुजा दोस्त थे। तनुजा भी दिलप्रीत की बात सुनकर एक बार के लिए हैरान रह जाती है।
वो दोनों एक दूसरे से एक दो बार ही मिले थे, और वो भी तब जब अपने बचपन में सेम फिल्म के लिए डबिंग का काम कर रहे थे। वो तो उसे अपना दोस्त नहीं मानती थी। उसने तो सपने में भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो भी कभी उसके लिए ऐसे खुद की रेपुटेशन दांव पर लगाकर स्टैंड लेगा। किसने कहा इसे रंगे हाथों पकड़ा गया था? दीपिका अपनी पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने हॉस्टल से बाहर आती है। स्टेशन में तनुजा से बात करने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ था कि इस कहानी में कुछ तो मिसिंग था, और शायद तनुजा को कोई जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा था। इस केस के चलते किसी बच्चे की इज्जत दांव पर लगी है, इसलिए हम इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते। तभी एक लड़की आगे आकर कहती है, क्या मिसिंग है? इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा था। इस बात के गवाह भी हैं और सबूत भी। ये क्या इसे सजा दिलाने के लिए काफी नहीं? तनुजा, क्या तुम अपनी कोई अप्रोच का इस्तेमाल कर रही हो? ओ हाँ, मैंने सुना कि तुम प्रोफेसर के काफी नजदीक हो, तो क्या तुम दोनों? ये सुनकर अरमान का मुंह गुस्से से एकदम लाल हो चुका था, पर इससे पहले कि वो तनुजा को बचाने के लिए उस लड़की को कुछ भी कहता, दिलप्रीत जोर से चिल्ला उठता है, चुप हो जाओ। प्रोफेसर एक बेहद ही इज्जतदार इंसान है, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम भी मत लो तुम। ये सुनकर वो लड़की भी एक बार के लिए डर जाती है और कहती है, मैं ये सब खुद से नहीं कह रही, मैंने तो कॉलेज की साइट पर ये सब पढ़ा था। मैंने सुना है कि प्रोफेसर और उनकी बीवी अपने बारे में इन झूठे आरोपों के खिलाफ लीगली केस फाइल करेंगे, ताकि जिन भी लोगों ने उनके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाते हुए वो सब कमेंट्स लिखे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, दीपिका कहती है। तनुजा के पिताजी और प्रोफेसर आपस में दोस्त थे, और इसीलिए ही वो बस तनुजा की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे। तुम सब तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसी के भी बारे में इंटरनेट पर ऐसे कुछ भी लिखना कानूनी अपराध है, और तुम्हें इसके चलते सजा भी हो सकती है। और इंटरनेट पर जो कुछ भी तुम लोग पढ़ते हो सब हमेशा सच ही हो, ये भी तो जरूरी नहीं ना? जी हाँ, ये तो सच बात है, भीड़ में से एक आवाज आती है, जिसके बाद वहाँ खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। क्या तुम लोगों ने देखा, किसी ने तनुजा के बॉयफ्रेंड के बारे में भी लिखा है अभी अभी, और कहा है कि वो एक बेहद ही सुंदर दिखने वाला काफी अमीर लड़का है, कोई कहता है। सच में क्या वो सिंगल नहीं है? मैं नहीं बता सकती, किसी ने तो ये भी कहा है कि उसने तनुजा के बॉयफ्रेंड को बहुत बार उसे कॉलेज के गेट पर छोड़ते हुए भी देखा है, और किसी ने उनको देर रात बाजार में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते भी देखा है। क्या अभी अभी दिलप्रीत ने खुद ही ये नहीं कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं? अगर ये सच बात है तो उसके पास चोरी करने की कोई वजह ही नहीं है। वैसे मैंने तो तनुजा को किसी आदमी के साथ गाड़ी में घूमते भी देखा है। ओह, ये तो वही सुंदर दिखने वाला आदमी है जो उसके साथ खड़ा है अभी। हाँ, ये तो सुंदर है बेशक, पर मुझे लगता है कि दिलप्रीत इससे 10 गुना बेहतर ऑप्शन था तनुजा के लिए। अरमान वहाँ खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। पहले तो अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो जाता है, फिर जैसे ही लोग उसका कंपैरिजन दिलप्रीत से करने लगते हैं, उसे गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो तनुजा का हाथ पकड़कर उसे हॉस्टल के अंदर ले जाता है। इस बात का एहसास होते ही तनुजा हैरान हो जाती है, उसने पहली बार ऐसे सबके सामने तनुजा का हाथ पकड़ा था। ये देखकर दीपिका भी हैरान रह जाती है। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के इतने करीब देखकर तो उसे मानो यकीन ही हो जाता है कि रात को वो दोनों एक दूसरे के साथ ही सोए थे। तनुजा वैसे इतनी आसानी से मिलने वाली लड़की लगती तो नहीं, दीपिका मन ही मन सोचने लगती है। वो जल्दी से तनुजा और अरमान के पीछे पीछे चली जाती है, अपने मन में इतने सारे सवाल लिए। दिलप्रीत भी गुस्से में उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए जाता है, तनुजा। तनुजा एकदम रुकती है और अपने पीछे भाग रहे उस बेहद ही हैंडसम लड़के को देखने लगती है, पर उसकी तरफ देखते ही उसे एहसास होता है कि वो तो बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। वो कहती है, दिलप्रीत, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी मदद करने आए, पर अब तुम्हें चलना चाहिए, मुझे अभी पुलिस ऑफिसर्स को उनकी जांच पड़ताल में मदद करनी होगी। तनु, दिलप्रीत, अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं आता जैसे वो दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे थे। उसने खुद आज तक कभी तनुजा को तनु कहकर नहीं बुलाया था, तो उसके सामने कोई और कैसे तनुजा का निकनेम रख सकता था? एपिसोड 77, प्यार का दुश्मन। तनु, ये दोनों तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे न जाने एक दूसरे को कब से जानते हो। मुझे तो कभी इसने जैस कहकर नहीं बुलाया, जैस्मिन कहती है।
मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हरमान तनुजा के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, दिलप्रीत क्या मैंने सही कहा? मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, पर अब मैं यहाँ आ गया हूँ और हम थोड़ा बिजी भी हैं, तो अब आप जा सकते हैं। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। क्या ये भी एक एक्टर है? क्या सही एक्टिंग करता है ये? थोड़ी सी अरमान के साथ आई कॉन्टेक्ट हो जाने के बाद दिलप्रीत कहता है, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। दरअसल मैं तनुजा को काफी समय से जानता हूँ। मैं तो आपको लंच पर भी लेकर जाना चाहता हूँ, पर मैंने कभी सुना नहीं कि तनुजा का कोई भी बॉयफ्रेंड है। ये सब सुनकर अरमान थोड़ा चिढ़ जाता है। उसे नहीं लगा था कि उसे दिलप्रीत को वहां से भगाना इतना मुश्किल होगा, पर इतनी सारी बात के बाद भी उसे सीरियसली नहीं लेता बिल्कुल भी, फिर चाहे वो अब कुछ भी कहे। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लंच करने के लिए तकरीबन एक महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर तुम या तो मेरे परिवार का कोई हिस्सा या फिर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो, अरमान कहता है। जी ठीक है, तो मैं सिर्फ तनु के लिए लंच ले आता हूँ। अरमान को लगता है कि इस दिलप्रीत को तो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। वो पीछे मुड़ता है और तनुजा के कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए कहता है, मेरे होते हुए मेरी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी की जरूरत नहीं है। पर तनु, क्योंकि ये कब से तुम्हारे पीछे पड़ा है लंच के लिए, तुम जाओ और इसे अपने कॉलेज की कैंटीन में ले जाओ। मैंने अभी अभी तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे कार्ड में 20,000 रुपए डलवा दूंगा। जाओ, उतने में इसे तुम लंच करवा ही सकती हो। अरमान को तनु कहते सुन तनुजा का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, पर जैसे ही वो 20,000 वाली बात करता है, एक बार फिर से तनुजा को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। क्या उसने अभी उससे कहा नहीं था कि 200 रुपए बहुत होंगे? वहां खड़ी हैरान दीपिका इन दोनों आदमियों को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे मानो वो दोनों अभी लड़ पड़ेंगे। उसे तनुजा से थोड़ी जलन भी हो रही थी। दिलप्रीत एक बहुत पॉपुलर कलाकार था और तनुजा उसे पहले से ही जानती थी, तो अगर वो खुद भी उसे जानती होती तो उसके सारे दोस्त भी तो उसे जलते ही। वो मन ही मन ये सब सोचने लगती है। 20,000? मुझे नहीं लगता कि इतने की जरूरत है, दिलप्रीत हैरान होकर कहता है। बिल्कुल जरूरत है, अगर तनुजा शिकायत ना करे तो मैं तुम्हारी पूरी कैंटीन ही तनुजा के लिए खरीद दूं। चलो ठीक है दिल, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, तनुजा जल्दी से बात खत्म करने के लिए कहती है। अपनी बात कहते हुए वो दिलप्रीत की ओर देखकर उसे आंख मारकर इशारा कर देती है। उसे ऐसे आंख मारता देख अरमान गुस्से से लाल हो जाता है। क्या मेरे सामने ही एक दूसरे को आंखें मार रहे हो तुम दोनों? बहुत शर्म की बात है। ठीक है, कहकर दिलप्रीत मुस्कुराकर पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से उसे दीपिका आवाज मारकर रोक लेती है। उसके बाद वो अपनी जेब से एक कॉपी और पेन निकालकर उसके पास जाती है और कहती है, क्या आप मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन कर सकते हैं प्लीज? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक बार के लिए दिलप्रीत हैरान रह जाता है और फिर दीपिका से कॉपी लेकर वो साइन करने लगता है। अरमान ये सब देखकर अपने माथे पर हाथ रखता है। ये पुलिस ऑफिसर कब से इतने अनप्रोफेशनल हो गए भाई? तुम अभी काम पर हो और फिर भी केस की जांच पड़ताल करने के बजाय तुम यहाँ लोगों के ऑटोग्राफ इकट्ठा कर रही हो। मुझे अपना बैज नंबर बताओ, मैं अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ। दीपिका को सच में समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। क्या वो सच में उसका भाई था भी? दिलप्रीत जल्दी से दीपिका को ऑटोग्राफ देकर वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो तनुजा से कहता है, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम कैसे हैंडल करती हो इसे? मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो पागल ही हो जाता। उसके जाने के बाद वहां जैसे मानो कोई मर गया हो, ऐसा माहौल बन गया था। तनुजा भी चुप रहती है। उन दोनों को देखते हुए दीपिका के साथ आया पुलिस ऑफिसर तो सांस तक लेने से डर रहा था। दीपिका खुद को रोक नहीं पाती और बीच में बोल पड़ती है, भैया क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने प्यार के दुश्मन के सामने कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं? किसने कहा कि वो मेरे प्यार का दुश्मन है? मेरे मुकाबले तो कहीं स्टैंड तक नहीं करता वो। अरमान तनुजा की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि वो उदास और परेशान है। एकदम से उसे याद आता है कि तनुजा ने उसे मतलबी कहा था। हमें गलत मत समझना दीपिका, तुम्हारा भाई और मैं तो बस ये नाटक कर रहे हैं। हमने आज सुबह ये सब प्लान किया था ताकि मेरा केस जल्दी से खत्म हो जाए, तनुजा दीपिका से कहती है। प्लान सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, तो आप दोनों सिर्फ बस दिखाने के लिए ही साथ हैं? भैया फिर तो आपको नहीं लगता कि आप इस एक्टिंग को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं?
दीपिका कहती है। मेरी भी तो इसमें कोई गलती नहीं है, मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। अरमान ये कहकर तनुजा के बाल सहलाने लगता है और कहता है, तो फिर अब तुम बताओ अपने और उस दिलप्रीत के बारे में, कब से जानते हो तुम एक दूसरे को? बचपन से, कभी तुमने उसके बारे में बात तो की नहीं, अब क्या रिश्ता है तुम्हारा? और हाँ, अब से तुम उसे दिल कहकर नहीं बुला सकती और ना ही उसे आंख मार सकती हो। ये सुनकर तनुजा हैरान रह जाती है, इतनी रेस्ट्रिक्शंस ये आदमी मुझ पर कैसे लगा सकता है, किसने इसे ये हक दे दिया? तनुजा मन ही मन सोचने लगती है। अब बस, तनुजा गुस्से में अरमान का हाथ पटकती है और कहती है, वो मेरा दोस्त है और मैं जो भी चाहती हूँ कर सकती हूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए चुना है, मैं इस रोल को बखूबी निभाना चाहता हूँ, अरमान कहता है। मैंने कब तुम्हें चुना, तुमने खुद ही तो ये नाटक की शुरुआत की थी ये सब कहानी बनाकर, क्या हम ये सब यहीं खत्म कर सकते हैं? तनुजा पूछती है। नहीं, अभी तो उन्होंने हॉस्टल में पैर रखा ही था और अभी से ही तनुजा चाहती थी कि अरमान वहां से चला जाए। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। दीपिका जो कि ये सब देख रही होती है तनुजा के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तनुजा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, तुम्हें से हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था, अब तुम्हारे लिए इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। तनुजा भी ये बात सुनकर अपना सिर हिलाने लगती है, उसे इस बात का भली भांति एहसास हो चुका था कि अरमान से पीछा छुड़ाना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तभी वहाँ वो लड़की डायरेक्टर साहब को लेकर आ जाती है जिसने अपने पैसे चोरी होने का इल्जाम तनुजा पर लगाया था। डायरेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे पैसे चुराए थे, वो तनुजा की तरफ इशारा करके कहती है। उसे वहां देखकर तनुजा बेहद परेशान हो जाती है, उसने सपने में भी डायरेक्टर साहब के वहां होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगता है जैसे मानो वो पूरी बात अब काफी बढ़ने वाली थी। डायरेक्टर साहब थोड़ी देर तनुजा को घूरने के बाद फिर दीपिका और उसके साथ आए पुलिस ऑफिसर से अपनी इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। क्या आप दोनों ही यहाँ इस मामले की तहकीकात करने आए हैं? मुझे तो इस बारे में आज सुबह ही पता चला, बहुत लोग शामिल हुए लगते हैं मुझे इसमें। रूल्स के मुताबिक अगर इस केस के चलते कॉलेज की रेपुटेशन पर जरा भी बात आई तो हमें इसे कॉलेज से निकालना पड़ेगा। वैसे तो बस 5,000 रुपए की बात है, पर इस केस के साथ एक लड़की की और तो और आपके कॉलेज की इज्जत का सवाल है। कुछ बातें इस केस के सिलसिले में आपस में मिल नहीं रही थी, इसलिए हम यहाँ पर एक बार फिर से जांच पड़ताल करने आए थे और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, हम गुनहगार को जल्द ही पकड़ लेंगे, दीपिका के साथ आया पुलिस ऑफिसर कहता है। पुलिस ऑफिसर, क्या आपको कल रात इसके बैग में पैसे नहीं मिले थे, तो आपको आज सीसीटीवी क्यों देखना है? वो लड़की जल्दी से कहती है और वो तनुजा की तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ दोबारा जांच पड़ताल के लिए बुलाने के लिए न जाने क्या ही किया है, पर मुझे ये पता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम प्रोफेसर का खुद पर किया इतना विश्वास तोड़कर ये सब कैसे कह सकती हो? उन्होंने तो तुम्हें क्रिसमस इवेंट का होस्ट तक बना दिया, बहुत ही शर्मनाक हरकत की है तुमने। एपिसोड 78, एक्टर। क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि मेरे बाद प्रोफेसर एज अ होस्ट तुम्हें ही चुनेंगे? तनुजा गुस्से में कहती है। किसी बात का जवाब तक तो तुम दे नहीं पाती तुरंत, होस्ट क्या ही बनोगी? मतलब ही तो तुम इतनी हो कि अपने फायदे के लिए मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम ये सब नहीं कर रही होती अभी अगर तुम्हें थोड़ी भी ग्रुप ऑनर की सेंस होती तो। कितनी फनी हो तुम, तुम्हारे पर्स में पैसे मिले थे, मैंने कैसे फिर तुम्हें फंसाया? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, पर अभी भी तुम मानने से इनकार कर रही हो। मैंने तुम्हारे जैसी जिद्दी और झूठी लड़की नहीं देखी आज से पहले कभी भी। जैसे ही उस लड़की ने ये सब बोला तभी दीपिका का फोन बजने लगता है जिसकी वजह से वो एक साइड पर चली जाती है बात करने के लिए। अरमान तनुजा के पास जाता है और उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो तनु, कल रात को ही मैंने वो सारे पैसे फिंगरप्रिंट चेक के लिए भेज दिए हैं। अगर तुमने सच में पैसे चुराए थे तो उन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिलेंगे, और अगर नहीं तो फिर तो कहानी ही पलट जाएगी सारी। तनुजा एक मिनट के लिए चुप हो जाती है, उन दोनों लड़कियों के चेहरों की तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई थीं। तभी उनमें से एक कहती है, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, ये तो बस एक छोटा सा चोरी का केस है, पुलिस के पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि वो इतना सब करेंगे। मैंने कहीं पर अप्रोच लगवाकर जुडिशियल ऑथेंटिकेशन इंस्टीट्यूट में कोई कनेक्शन ढूंढा है,
वहीं अब इस बात का पर्दाफाश होगा। माना मेरे थोड़े पैसे लग गए इस काम में, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बेकसूर साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अरमान कहता है। ये सब सुनकर डायरेक्टर साहब, जो कि तब से सारी बात आराम से सुन रहे थे, अरमान की तरफ अचानक देखने लगते हैं। अरमान दिखने में 30 साल से भी कम का लगता था, पर फिर भी उसकी वाइब हमेशा डायरेक्टर साहब को सोशली एंगेज होने पर मजबूर कर देती थी। आप, वो अरमान से कहती है। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अरमान निडर होकर कहता है। मैं तो एकदम हैरान रह गया था जब इन लोगों ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने पैसे चुराए हैं। जब हम दोनों रिलेशन में आए थे, मैंने इसे एक ब्लैक कार्ड देना चाहा था, जिसे लेने से इसने मुझसे साफ इनकार कर दिया था। मैंने इसे स्पोर्ट्स कार, डायमंड की घड़ियां, न जाने क्या कुछ नहीं देना चाहा, पर इसने हर चीज को मना कर दिया। चाहे जितनी मर्जी पैसों की जरूरत क्यों ना हो इसे, ये कभी मुझसे पैसे नहीं लेती, हमेशा खुद कमाने में यकीन रखती है। तो 5,000 रुपए जैसी छोटी रकम चुराना। ये सब बोलते हुए तनुजा अरमान को बड़े प्यार से देख रही होती है, और उसे इस बात पर हैरानी थी कि अरमान ये सब कितने ही आराम से बोल रहा था, जैसे कि ये सब बिल्कुल सच ही हो। ब्लैक कार्ड, स्पोर्ट्स कार, डायमंड की घड़ियां। हर कोई ही एक्टर या एक्ट्रेस बन सकता है आजकल, तनुजा मन ही मन सोचती है। स्पोर्ट्स कार, वो लड़की कहती है। तनुजा प्लीज, अब तो ये सारा मजाक बंद करो। कहां से ढूंढ कर लाई हो इस एक्टर को? अगर तुम्हारा सच में ऐसा बॉयफ्रेंड है, तो तुम हमेशा इतने सस्ते कपड़े क्यों पहनती हो? और तुम कब से इतनी मेहनत करके पैसे बचाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर अरमान गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैडम, हर लड़की आपके जैसी नहीं होती ना। तनुजा बस किसी भी बात का शो ऑफ नहीं करना चाहती। वो पूरे कॉलेज को नहीं बताना चाहती कि उसका इतना अमीर बॉयफ्रेंड है। और ये सस्ते कपड़े भी सिर्फ इसलिए पहनती है क्योंकि वो अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन करना चाहती है। मैंने उसे बहुत महंगे कपड़े दिलवाए हैं, पर ये बस उन्हें कभी कभी पहनती है। उसे इतना ज्यादा अटेंशन चाहिए ही नहीं, वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। वैसे भी अपने डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट होने के कारण बहुत से बच्चे जलते हैं इससे। ऐसे में अगर ये अच्छे से तैयार होकर रहेगी तो न जाने लोग क्या क्या बातें ही बनाएंगे इसके बारे में। आप खुद ही देख लीजिए, अभी ना चाहते हुए भी कैसे मुसीबत में फंसी है बेचारी। अरमान की इतनी लंबी स्पीच सुनकर तो जैसे मानो तनुजा हैरान ही रह गई। मुझे लगता है इसे वकील होना चाहिए, ये तो बड़े आराम से काली चीज को भी सफेद कर देता है, वो सोचती है। उसने सबको यकीन दिला दिया था कि वो एक दूसरे के साथ काफी समय से थे, और वो लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए ही ऐसी बनकर रहती थी हमेशा। तुम बस फेंक रहे हो इतनी बड़ी बड़ी, वो लड़की कहती है। डायरेक्टर साहब, अभी कुछ समय पहले तक तो हम में से किसी को भी नहीं पता था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। इस लड़के को तो न जाने कहां से उठाकर लाई है तनुजा। डायरेक्टर साहब अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिले थे। वो काफी देर से अरमान की तरफ देख रहे थे कि अचानक उनकी नजर अरमान की कलाई पर पड़ती है। उसने जो घड़ी पहनी थी वो किसी बहुत बड़े ब्रांड की तो नहीं थी, पर महंगी जरूर लग रही थी। चलो अब बस करो, कहा ना इसने कि इसने फॉरेंसिक्स वालों को सबूत भेजा है, तो रिपोर्ट्स भी जल्द ही आती होंगी। अगर तनुजा ने ये कुछ किया भी है तो उसकी उंगलियों के निशान आ जाएंगे उस पर। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, दीपिका फोन अपनी जेब में रखते हुए कहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नोटों पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स थे, पर उनमें से कोई भी तनुजा से मैच नहीं होता था। क्या, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हो सकता है इसने ग्लव्स पहने हो, वो लड़की कहती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि अरमान वहां आ जाएगा और अपने कनेक्शंस यूज करता हुआ फोरेंसिक जांच तक मामले को ले जाएगा। और एक बात, दीपिका उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, मुझे बताया गया कि तुम गवाह थी उस रात, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुमने कहा कि तुमने तनुजा को छिपते छिपाते कमरे में आते देखा जब तुम हॉस्टल वापस आ रही थी। उस समय तकरीबन 6:30 बजे थे, पर मैंने तो CCTV में तुम्हें 6 बजे ही हॉस्टल के अंदर जाते देखा था। तुम दोनों तो तीसरी मंजिल पर रहती हो ना, तो क्या तुम्हें पहली मंजिल से तीसरी तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है? मैं फोन चला रही थी और इसलिए धीरे धीरे चल रही थी, और हाँ, मैं दूसरी मंजिल पर रुकी थी अपनी एक दोस्त से बात करने के लिए। तभी दूसरी लड़की जल्दी से बोलती है, मैंने पुलिस को बताया था, मैंने इसे 6:30 बजे देखा था तकरीबन। अब मैं इतना श्योर तो नहीं हो सकती ना समय को लेकर, वो तो केवल एक अंदाजा ही था। दीपिका पूछती है, क्या तुम्हें अच्छे से यकीन है कितनी देर बात की थी तुमने? वो लड़की जवाब देती है,
जी तकरीबन 20 मिनट। ये सुनकर दीपिका मुस्कुराने लगती है और अपनी नोट्स वाली कॉपी खोलकर कहती है, कितनी बुरी याददाश्त है मेरी भी, मुझे याद ही सब गलत था। सीसीटीवी के अकॉर्डिंग तुम हॉस्टल आई ही 6:30 बजे थी, पर अब तुम कह रही हो कि तुम बीच में अपने किसी दोस्त से बात करने के लिए रुकी थी। इसका मतलब तुम अपने कमरे में पहुंची ही 6:50 तक होगी। तब तो किसी हाल में भी तुम्हें तनुजा दिख ही नहीं सकती उसके कमरे में। इसका मतलब है कि तुमने झूठी गवाही दी थी। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उनमें से एक कहती है, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, बस मुझे बस ढंग से याद नहीं। ये सुनकर दीपिका गुस्से से लाल हो जाती है। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें सब अच्छे से याद है, जब मैंने तुमसे पूछा भी था। अब क्या तुम फिर से अपनी खुद की कही बात ही बदलोगी? ऐसा नहीं है। उस लड़की का दिमाग दीपिका की पूछताछ के बाद एकदम खराब हो चुका था। दीपिका जैसे उसे घूर रही थी, उससे वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। अब तो उसके पास कोई बहाना बनाने के लिए समय तक नहीं था। और दूसरी लड़की, वो तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रही थी और चुपचाप बस वहां खड़ी थी। हो सकता है मैंने तनुजा को 6:50 पर ही देखा हो, मुझे ढंग से याद नहीं, बस इतना पता है कि 6 से 7 के बीच का समय था। कल तुमने 6:30 बोला था और आज तुम 6:50 कह रही हो। अपनी ही स्टेटमेंट बदल रही हो तुम। अब तुम्हें पता भी है इसकी कितनी बड़ी सजा लिखी है कानून में, दीपिका कहती है। तभी वो दूसरी लड़की कहती है, चाहे वो जितनी मर्जी बार समय बदल ले, उससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना, तनुजा ने ही पैसे चुराए हैं। मैं वहां तक बस पहुंच ही रही हूँ। हम अभी तुम्हारे लैक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात भी करेंगे। मेरे कलीग के मुताबिक तनुजा तुम्हारे कॉलेज में होने वाले इवेंट में बतौर होस्ट चुनी गई है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसके लिए एक ही इंसान को चुना जाना था और इसी बात पर तुम्हारी उससे लड़ाई भी हुई थी। अगर सच में तनुजा पर चोरी का इल्जाम साबित हो गया तो उसे होस्ट की पोजीशन से हटा दिया जाएगा और नेचुरली वो पोजीशन तुम्हें मिल जाएगी। और इसी कारण तुम्हारे पास एक अच्छा बहाना भी था तनुजा को झूठे केस में फंसाने के लिए, दीपिका कहती है। एपिसोड 79, असली अपराधी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दीपिका आगे कहती है, वैसे भी क्योंकि ये सब कल रात 11 बजे के बाद हुआ था, आधे लोगों को तो इसके बारे में जानकारी चैट्स और कॉलेज की वेबसाइट से ही मिली है कि तनुजा ने पैसे चुराए हैं। तनुजा के बॉयफ्रेंड को भी लगा कि कोई तनुजा को फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने 1 घंटे पहले ही पुलिस को बुलाया था। और अब तक पुलिस को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि वो अकाउंट जिससे ये सब बातें फैलाई गई हैं, वो तुम्हारा है। ये सुनते ही डायरेक्टर साहब भी उन दोनों लड़कियों की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखने लगे। उन दोनों की भी हालत खराब होने लगी थी। उन्हें डर था कि अब उनकी गलती पकड़ी गई है तो उन्हें सजा तो मिलेगी। तनुजा को भी पहले तो दीपिका की बात पर यकीन नहीं था, पर अब तो वो भी हैरान रह गई थी। वैसे दीपिका चाहे जितनी मर्जी नरम दिल इंसान हो, पर किसी भी केस को हैंडल करते समय तो वो कोर्ट के किसी वकील से कम न थी। तनुजा को सबसे ज्यादा हैरानी तो ये जानकर हुई कि अरमान ने सच में पुलिस को बुलाया था। उसे इस बारे में कोई खबर तक नहीं थी। जैसे ही तनुजा अरमान की तरफ मुड़ती है, वो मुस्कुराते हुए तनुजा से कहता है, मैडम जैसे कि अब सब कुछ आपके सामने आ ही चुका है, तो क्या मैं अपने लॉयर्स को बोलकर इन दोनों लड़कियों पर झूठे आरोप लगाने के और आपकी इमेज को खराब करने की कंप्लेंट कर दूं? आप केस फाइल करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो हम कर ही सकते हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम थोड़े और पैसे लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स पर भी फिंगरप्रिंट्स चेक करवा सकते हो? अब मेरा मतलब है कि उन दोनों लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स, दीपिका कहती है। तभी वो दोनों लड़कियां डर के मारे कांपने लगती हैं। अरमान ये देखकर उनमें से एक लड़की से कहता है, अगर हम लॉ सूट फाइल करने वाले हैं तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर तनुजा जीत गई तो तुम्हारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, जिसका असर तुम्हारे करियर पर भी अच्छे से दिख सकेगा। और अगर ये दूसरी लड़की जीत गई तो भी सारा फायदा इसी का होगा, तुम तो बस बीच में एक मोहरा बनकर रह जाओगी। क्या पागल है आप, बस 5,000 जैसी छोटी रकम के लिए फिंगरप्रिंट चेक करवाएंगे और लॉ सूट फाइल करेंगे? मैं कोई सजा मंजूर नहीं करूंगी, बस जो भी फाइन का अमाउंट होगा वो भी भर दूंगी, समझे आप, दूसरी लड़की कहती है। फाइन भर दूंगी? अरमान जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे नहीं लगता तुम्हें पूरी बात का अंदाजा भी है, मैं तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी और गलत इल्जाम लगाने के जुर्म में केस फाइल कर रहा हूँ।
5,000 रकम तो बहुत छोटी सी है, पर 5,000 से महज तुम किसी की इज्जत नहीं खरीद सकते। और हमें कोई फिंगरप्रिंट चेक करवाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसा सबूत है कि जो तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होगा। पर हाँ, अपने माता पिता को जितनी जल्दी हो सके बता दो, क्योंकि अब जल्द ही तुम्हें कोर्ट से बुलावा आने ही वाला है। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, वो रोने लगती है और कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला था, पर मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा था। मेरे साथ वाली लड़की ने ही तनुजा के पर्स में पैसे रखे थे, और जब तनुजा नहा रही थी, इसने तनुजा के कमरे की चाबी थोड़े दिन पहले ही उसकी एक रूममेट से चुराई थी, जैस्मिन से। वहाँ खड़ी दूसरी लड़की कहती है, तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने कब किया ये सब? तुम्हें तो मुझे झूठ बोलने को कहा था। तुम्हें ही तनुजा से जलन थी, क्योंकि उसे इवेंट को होस्ट करने के लिए चुना गया था। तुमने तो ये भी कहा था कि शायद उसके प्रोफेसर के साथ कुछ नाजायज संबंध थे, इसीलिए वो इसकी इतनी साइड लेते हैं। और तो और तुमने मुझे ये भी कहा था कि हमारी क्लास के लड़के भी उसकी इतनी तरफदारी सिर्फ इसलिए ही करते हैं क्योंकि ये उनसे फ्लर्ट करती रहती है हमेशा। मुझे भी तनुजा से जलन तो होती ही है, क्योंकि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, दरअसल उसे तनुजा पसंद है। पर मैं गलत थी, मुझे लगा था कि अगर बाकियों की नजरों में तनुजा चोर साबित हो जाती है तो वो लड़का भी मुझे पसंद करने लगेगा। वो रोते हुए कहती है, तनुजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पर केस फाइल मत करो। मैंने इस कॉलेज में आने के लिए बहुत मेहनत की थी, और अब अगले साल मेरी डिग्री भी खत्म होने वाली है। अगर तुमने मेरी शिकायत कर दी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना ही मुझे कहीं नौकरी मिलेगी, ना ही मेरी कहीं इज्जत रहेगी। ये भी हो सकता है कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए और मुझे कॉलेज से ही बाहर निकाल दिया जाए, वो भी अपनी डिग्री बिना पूरी किए। प्लीज मेरी मदद करो। तुमने तो ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी जिंदगी और मेरे फ्यूचर का क्या होगा? तुमने भी तो अपने स्वार्थ में आकर मेरे साथ ये सब कुछ किया ना। तब तो तुमने इस लड़की की बात मानी और बिना कुछ भी सोचे समझे मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगवा दिया, तनुजा गुस्से में कहती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरी शिकायत नहीं करोगी तो तुम जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, मेरा यकीन करो, वो कहती है। तुम किस लड़के को पसंद करती हो? अरमान एकदम से बीच में पूछता है। ये सुनकर तनुजा को समझ नहीं आता कि वो आखिर अब क्या बोले। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप थोड़ी देर चुप रहिए और ये सब बेफिजूल के सवाल पूछना बंद कीजिए। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, अरमान उसे जवाब देता है। ये सुनकर तनुजा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। हमारे डिपार्टमेंट से अग्रिम शर्मा, वो कहती है। ये कैसा नाम है, क्या वो लड़का देखने में सुंदर है? अरमान कहता है। अब बस भी कीजिए, तनुजा मन ही मन सोचने लगती है। तभी दीपिका कहती है, डायरेक्टर साहब, हमें लगता है कि अब हम इस केस के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब हमें इन दोनों लड़कियों से पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाना होगा। परेशानी के लिए माफी, हम तो गलती से तनुजा को सजा दे देते अगर आप लोग सच सामने ना लाते। तुम दोनों इस कॉलेज के लिए किसी कलंक से कम नहीं हो। तुम इतना कैसे गिर सकती हो अपनी मनचाही चीज पाने के लिए? तुम्हें तो मुझे कॉलेज से निकालना ही पड़ेगा। और रही बात इस दूसरी लड़की की, डायरेक्टर साहब उन दोनों लड़कियों को डांटते हैं। चाहे इसने भी झूठ बोलकर उसका साथ दिया हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसने सामने आकर सारी बात बताकर अच्छा काम किया है, इसलिए इसे कॉलेज से भी निकालना नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस को ही हमें इसे डील करने देना चाहिए, तनुजा कहती है। तुम वैसे तो अच्छी लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ आधे महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ, वो कहती है। तभी दीपिका उन दोनों लड़कियों को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ जीप में बिठा लेती है। नहीं, मुझे कॉलेज से मत निकालिएगा, तनुजा मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो प्लीज, वो रोते रोते तनुजा का हाथ पकड़ लेती है। तभी अरमान बीच में आकर उसे धक्का देकर कहता है, तुमने कॉलेज की वेबसाइट पर तो इसके बारे में इतना कुछ लिखा था, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हें माफ कर दे? बस बस, अब चलो यहाँ से, कॉलेज में ही तुम्हारे ये हाल है, न जाने बाहर जाकर क्या ही करोगी तुम, दीपिका कहती है और उन दोनों लड़कियों को गाड़ी की तरफ ले जाती है। जाते जाते वो तनुजा के कान में कहती है, हमारे परिवार में आपका स्वागत है भाभी, मेरे भाई को खुश रखिएगा। ये सुनकर तनुजा हैरान रह जाती है। दीपिका के कहने से पहले ही तनुजा को पता था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ने ही वाली है। डायरेक्टर साहब, मुझे लगता है कि अब आप पूरे कॉलेज के सामने ये बता ही सकते हैं कि इस सब में तनुजा का कोई हाथ नहीं था, अरमान कहता है। हाँ बिल्कुल, आप उसकी चिंता ना करें,
वो जवाब देते हैं। और मेरी एक राय भी है, मुझे लगता है आपको पूरे कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगवा देने चाहिए। अगर आज वो होते तो ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं, अरमान कहता है। हमने तो ये काम अभी तक इन लड़कियों की प्राइवेसी नजर में रखते हुए नहीं किया था। हमें नहीं लगा था कि यहाँ कुछ ऐसा भी होगा। पर कोई बात नहीं, मैं आपकी बात आगे मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचा दूंगा, डायरेक्टर साहब कहते हैं। जी धन्यवाद, अरमान कहता है। जैसे कि अब केस खत्म हो ही चुका है, आपको भी लड़कियों के हॉस्टल से बाहर जाना चाहिए। यहाँ मेल्स अलाउड नहीं है, जब तक कोई बहुत ही जरूरी रीजन ना हो या फिर कोई स्पेशल परमिशन ना हो किसी के भी पास, डायरेक्टर साहब अरमान से कहती हैं। जी चलिए चलते हैं, मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ, तनुजा कहती है। उसे वैसे तो पता ही था कि सारी लड़कियां इस वक्त कॉलेज में ही होंगी, पर फिर भी वो अरमान को वहां से ले जाती है। एपिसोड 80, बॉयफ्रेंड। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर एक बार खुद को देखना चाहता हूँ, अरमान वहां से बिना एक भी कदम हिलाए कहता है। उसने ऐसा माहौल बना दिया था वहां जैसे मानो तनुजा सच में ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। आप मेरे कमरे में जाकर आखिर क्या देखना चाहते हैं, तनुजा पूछती है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कहाँ रहती हो, अरमान तनुजा की ओर देखते हुए कहता है। जितनी भी बार मैं तुमसे मिला हूँ तुम कोई ना कोई मुसीबत में ही होती हो, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो, ताकि अगली बार कुछ हो तो मैं कम परेशान हूँ। ये सुनकर तनुजा की आंखें खुली की खुली ही रह गईं। अरमान की कही बातों से शायद किसी और को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, पर तनुजा के लिए उसकी बातों का बेहद महत्व था, क्योंकि एक तो वो घर से इतनी दूर रह रही थी और वो भी अकेले। फाइनली अब उसको इस बात का एहसास हो रहा था कि वो अकेली नहीं थी और उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रहने के लिए आखिर कोई तो था। हमेशा तो इतनी मीन बातें करता है ये, पर इस बार चलो अब चलें, अरमान ये कहकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तनुजा के पास अब उसके पीछे पीछे जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। पहले तो उसे इस बात की भी टेंशन थी कि कहीं उसकी रूममेट्स ना हो कमरे में, पर बाद में उसे पता चल गया था कि वो अभी तक वापस ही नहीं आई हैं। उनका कमरा एकदम साफ था, पर तनुजा का बेड और उसकी अलमारी की हालत कुछ ऐसी लग रही थी जैसे मानो किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। अरमान इधर उधर अच्छे से देखता है। मानसी के टेबल के पास आकर वो रुक जाता है। मुझे लगता है मानसी आपकी कोई कजन है, तनुजा कहती है जैसे ही वो अरमान को मानसी की फोटो की तरफ देखते हुए देखती है। कितनी छोटी दुनिया है ना। अच्छा तो ये है मानसी, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझे इतनी जानी पहचानी लग रही थी। ये असलियत में बिल्कुल भी इस फोटो की तरह नहीं लगती, शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि लड़कियों की फोटो पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, अरमान कहता है। अरे भगवान का शुक्र है मानसी अभी यहाँ नहीं है, वरना आपकी बात सुनकर तो वो बहुत गुस्सा हो जाती, तनुजा कहती है। मैं इतनी छोटी सी जगह पर काफी समय बाद आया हूँ, मेरा कमरा भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था जब मैं आर्मी में था, पर इससे कई गुना ज्यादा साफ और हमारे कंबल भी अच्छे से फोल्डेड होते थे, तुम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं, अरमान कहता है। अभी तनुजा सोच ही रही होती है कि अचानक अरमान उसके बेड पर चढ़ जाता है और उसका ब्लैंकेट खोलकर दोबारा फोल्ड करने लगता है। ये करते समय वो कहता है, तुमसे बेहद बेहतर तरीके से मैं इसे फोल्ड कर सकता हूँ। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो कहे तो क्या ही कहे। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, आपको अंदर आने के लिए किसने कहा, तनुजा की हॉस्टल वार्डन अरमान को देखकर कमरे में आ जाती है और कहती है। वो गुस्से में कहती है, और तो और तुम उसके बेड पर भी चढ़े हुए हो और उसके ब्लैंकेट को फोल्ड कर रहे हो, करना क्या चाहते हो आखिर तुम, बाहर तुमने नोटिस बोर्ड पर नहीं देखा क्या, यहाँ लड़के अलाउड नहीं है, तुम लड़कियां बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती हो, तनुजा कहती है। मैडम हम परमिशन लेकर आए थे यहाँ। क्या फिर से तुम, नीचे भी अभी इतने लड़के तुम्हारे बारे में बोल रहे थे कि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुमने मुझे बेहद इम्प्रेस कर दिया है, वैसे न जाने कितने ही लड़कों ने तुम्हारे लिए कैंडल्स जलाई, कितनों ने ग्राउंड में फूल बिछाए, कितनों ने तुम्हारे लिए गाने तक गाए, और अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, वो कहती है। ये सुनकर तनुजा शर्मिंदा हो जाती है, उसे एहसास होता है कि वार्डन की बातें सुनकर शायद अरमान को भी बुरा लगा है। ऐसा नहीं है, तनुजा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है।
तुम इसे अपने कमरे में लाई हो और फिर भी तुम ये कह रही हो कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो अरमान की तरफ देखती है और कहती है, वैसे ये तुम्हारे बाकी चाहने वालों से तो बेहद बेहतर है। तुम लड़कियों को सारे सुंदर दिखने वाले लड़के ही पसंद आते हैं, पर मेरी मानो तो ये सुंदर दिखने वाले लड़के कभी भरोसे के लायक नहीं होते। ये कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे कमरों तक आने के लिए। मैं पिछले 10 सालों से वार्डन हूँ यहाँ, मैंने ये सब अच्छे से देखा हुआ है। उनकी बातें सुन सुनकर अरमान अब इरिटेट होने लगा था। उनकी कही सब बातों में से उसे बस एक ही बात पसंद आई थी, और वो ये थी कि अरमान को उसका बॉयफ्रेंड वो समझ रही थी। जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस ये ब्लैंकेट फोल्ड कर रहा था, आखिरकार अरमान कहता है। ये सुनकर वो तनुजा के बेड की ओर देखती है और कहती है, ये सब बहाने किसी और को सुनाना, ये तो आज तक का सबसे बेकार बहाना सुना है मैंने। तुम ये क्यों नहीं कहते कि सब होने के बाद तुम दोनों मिलकर ये बेड ठीक कर रहे थे? मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अरमान कहता है। ठीक है, मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने ही लड़के लड़कियों को ये सब काम करते देखा है हॉस्टल में, पर मैं तो तुम्हें बस यही सलाह दूंगी कि अगर ऐसा कुछ करना ही है तो कोई और जगह ढूंढ लो, ज्यादा खर्च नहीं होगा, वो कहती है। तनुजा शर्म के मारे लाल हो चुकी है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि वार्डन मैम, लगता है कि कल उस कपल को रंगे हाथों पकड़ने के बाद तो आप हाई अलर्ट पर हैं। आपको सच में गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर बस इसका कमरा देखने आया था, और यहाँ मचे गंद को देखकर मैंने बस ब्लैंकेट फोल्ड करने के लिए इसकी मदद कर दी। मुझे होटल के खर्च की कोई फिक्र नहीं है, और तो और ये बेड मेरे लेटने के लायक लंबा भी नहीं है, अरमान कहता है। इनके लिए कुछ भी करने के लिए ये बेड बहुत छोटा है। चलो ठीक है मैम, हमें माफ कीजिएगा, अब हम नीचे जा रहे हैं, तनुजा कहती है। उसे लगता है कि वो जितना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी उतना ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अरमान की बाजू पकड़ती है और उसे नीचे ले जाती है। वार्डन के पास उनके पीछे पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तनुजा बाहर निकलते ही कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि अरमान वार्डन से कह रहा था, क्या मुझे यहाँ का कोई नंबर मिल सकता है? मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ अकेले रह रही है और मुझे उसकी फिक्र होती है। कल रात भी किसी ने इसे झूठे इल्जाम में फंसाकर पुलिस स्टेशन भेज दिया था। ओ अच्छा, तो ये थी वो लड़की। चलो अब इसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, तो मैं आपको सीधा हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का ही नंबर दे देती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो कहती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के चाहने वाले ही बहुत हैं, तो तुम्हें इससे सबसे बचाकर रखना होगा, और अगली बार कुछ भी हो तो कहीं बाहर चले जाना, तुम्हारा यहाँ आना अलाउड नहीं है। मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, पर कॉलेज के रूल्स भी तो कुछ होते हैं। ऊपर से तुम खुद सोच कर देखो कि कितना अजीब लगेगा अगर कल ये एक लड़के को अपने साथ यहाँ ले आए और फिर परसों कोई और लड़की ऐसा ही करे तो। ये सब सुनकर तनुजा बेहद शर्मिंदा हो रही थी। वार्डन बस उसे और ज्यादा एम्बेरस करने में लगी हुई थी, और अरमान, उसे भी अभी ही इससे नंबर मांगना था। चलो अब बहुत हुआ, चलो चलते हैं यहाँ से। तनुजा अब और देर वहां खड़ी रहकर उनकी बातें नहीं सुन सकती थी। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अरमान तनुजा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने चाहने वाले हैं जो तुम्हें फूल कैंडल्स न जाने क्या क्या देते हैं, और तो और तुम्हारे लिए गाने तक गाते हैं। इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तनुजा कहती है। अरमान सर, आप मेरे सब मामलों में ज्यादा ही नाक घुसा रहे हैं अब, और तो और अगर आपने मेरे कमरे में जाने की जिद ना की होती तो वार्डन मैम को भी हमें लेकर इतनी गलतफहमी ना होती, अब मुझे उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। बिल्कुल मुझसे लेना देना है, आज सुबह से मैं ऑफिशियली तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अरमान कहता है। ये सुनकर तनुजा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, आपने खुद ही मेरी मदद करने के लिए कहा था, मैंने भी आपको हायर किया था, आपने ही कहा था कि हम एक कपल होने का नाटक करेंगे। अरमान बात करना बंद कर देता है और तनुजा की ओर देखने लगता है। वो उसकी आंखों में इस कदर खो जाता है कि उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी नजरों से तनुजा का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या बोले।